हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस अभी तकरीबन 56 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई हैं जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। और साथ ही में इसके चार्ट में भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ नया आपको यहां से सीखने के लिए मिलने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूं जो अभी के टाइम पर एक न्यूज बनी हुई है आईडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कट्स इंटरेस्ट रेट टू 4-5%। एक्चुअली में हम सभी जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सारे के सारे जो बैंक है इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा देते थे। सेविंग अकाउंट्स के ऊपर 6-7% तक की दोस्तों रिटर्न दिया करते थे ये। बट कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इससे अभी बहुत कम कर दिया है। बहुत कम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि परसेंटेज वाइज यहाँ पर 2% कम किया गया है। पहले 7% था, उसे घटाकर 6% किया गया था और अभी 6% से घटाकर इसे 4% पर लेकर ये आ चुके हैं। एक्चुअली मैं अलग अलग कैटेगरी है अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइवेट सेक्टर लेंडर इज ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% फॉर अकाउंट्स विद अ बैलेंस ऑफ 2 करोड़ to 10 करोड़ एंड 5% उनके लिए है जिनका बैलेंस 2 करोड़ तक रहेगा और 4.5% 1 to 10 लाख। सो 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपका बैलेंस है तो आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उससे ज्यादा है मतलब 2 करोड़ तक का है तो 5%, और 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपका अगर है तो 4% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। पहले दोस्तों ये 6% था, फिर उसे कम करके अभी 4-5% के बीच में कर दिया गया। क्यों किया गया है और किससे इसको घाटा है? देखिए, अगर आप नॉर्मल एक रिटेल कंज्यूमर है बैंक के, जहां पर दोस्तों आपके लिए स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। क्यों है? क्योंकि आपके पैसे सेविंग अकाउंट में अगर हैं आईडीएफसी के, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो आपको अभी यहाँ पर कम पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका पर्सपेक्टिव स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम देगी बैंक पब्लिक को तो उनका पैसा बचने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए बैंक चलता कैसे है, वो कहीं और से पैसे उठाती है, वहां पर इंटरेस्ट देती है, राइट? और जो इंटरेस्ट पैसा उठाया है वापस से वो रिटेल जो पब्लिक होती है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, उनको पैसे बांटती है और वहां से ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, राइट? और साथ ही में एक सोर्स ऑफ जो उनका एक पैसा होता है वो यहाँ से भी आता है, जो उनके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो उनके करंट अकाउंट होते हैं, वहां पर जितना पैसा होता है उसको भी वो पब्लिक में बांट, और उसके बदले दोस्तों वो पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं। दोस्तों ये वाला जो एक अमाउंट होता है कासा वाला, जिसे हम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, वो भी 4% तक अभी लेकर दोस्तों ये आ चुके हैं, ऑल्दो ये इंटरेस्ट रेट बाकी बैंकों से, मतलब जो बड़े बड़े बैंक हैं HDFC, ICICI बैंक, SBI, इन सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बैंक ने समझदारी भरा फैसला ये उठाया है, इंटरेस्ट रेट कम भी किए हैं, प्लस जो बड़े बड़े बैंक हैं उनसे ज्यादा भी रखा हुआ है। तो 7% का इंटरेस्ट रेट ने किया, बहुत सारे कस्टमर को, रिटेल कस्टमर को अपने पास लेकर आए, और जब बहुत सारे कस्टमर आ गए, इनके पास में अच्छी खासी लिक्विडिटी हो गई, तब इन्होंने ये इंटरेस्ट कम कर दिया। अब इनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि लोग छोड़ के भी नहीं जाने वाले, और हो सकता है कुछ लोग छोड़ के जाए भी, बट उससे फर्क क्या पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगला जो क्वार्टर अभी आने वाला है यहाँ वहां पर इनके बहुत ही अच्छे आपको प्रॉफिट नजर आएंगे, और इसीलिए दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन आईडीएफसी बैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बढ़ चुकी है। अगर आप देखें तो क्रिसिल जो है उसने अभी इसकी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा दिया है, AA स्टेबल कर दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एग्जिस्टिंग टायर 2 बॉन्ड्स अंडर द BSL3 जो है वहां पर 2000 करोड़ तक के लिए जो है AA स्टेबल होता है, जो कि उनके पास में है। इट्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ 45,000 करोड़ एट क्रिसिल A1+ एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम ऑफ द बैंक ऑफ 50,000 करोड़ एट AAA स्टेबल। तो ये इनकी रेटिंग दोस्तों अभी के टाइम पर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अगर दोस्तों आप इसकी होल्डिंग भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टिकट टाइप की साइट के ऊपर, म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने ऑलमोस्ट दोस्तों
स्टेबल ही रखा है, 2.86 था 2.38 किया है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक को देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया है, 8.36 से 16.86 कर दिया, तकरीबन आप कह सकते हैं कि डबल कर दिया यहाँ पर अपने होल्डिंग को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी आने वाले टाइम पर ये चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। एंड फॉर श्योर जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटिंग की है वो दिखाई देगा इनके नेक्स्ट जो भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट रहेंगे वहां पर, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें जरूर दिखाई देने वाली है। दोस्तों इस खबर के बाद डेफिनेटली हमें यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जरूर उठाकर रख लेनी चाहिए, आने वाले टाइम पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके अलावा अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी आया हुआ है। देखिए आप, जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्लोजिंग भी ऊपर दे दी है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ से जो है एक नई ग्रोथ का सिलसिला चालू हो सकता है इसके लिए। और दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट हाई था, मतलब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 70 के आसपास, ये डेफिनेटली यहाँ तक बहुत जल्दी अभी जाने वाला है। और लॉन्ग टर्म हाई की बात करें तो 80 से 90 तक के प्राइस पर भी ये जा सकता है इन नियर अबाउट एक साल के अंदर अंदर। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।